वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एब एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 क्लास 9 का, जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटर। तो एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन हम नंबर 16 करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अगर समझ में आ जाए और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इफ एरिया ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल इज 81 इंटू रूट 3 सेंटीमीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल। आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला तो एरिया ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक होता है, ए स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद क्या होता है, हाइट ऑफ एन इक्वलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला था रूट 3/2 ए, ठीक है ना, साइड जिसे कहा जाता है, ए यहाँ पर डिनोट करेगा तो साइड होता है। नाउ सोल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखता हूं, क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या दिया हुआ, देख लेते हैं थोड़ा। ए दिया हुआ 81 इंटू रूट 3 दिया हुआ, राइट। अब देखिए नौ, उसके बाद हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, हमें निकालना है एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल ही लिखेंगे, एरिया ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। एरिया कितना दिया हुआ, 81 इंटू रूट 3 आई है, तो फॉर्मूला हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर। यहां पर देखिए तो 81 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में आ गया, उसके बाद ये आपको रूट 3 नीचे आ जाएगा, ए हो जाएगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही आसान है, आप सोल्व कर सकते हो। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचा क्या दोस्तों, यहां से बचा है ये, यहां पर 81 इंटू 4 बचा इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 324 इक्वल ए स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा रूट 324 इक्वल टू ए स्क्वायर में, तो रूट में चला जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 18, यानी कि ए इक्वल क्या प्राप्त हुआ, यहां से ए इक्वल प्राप्त हुआ 18 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, राइट, यहां पर इतना प्राप्त हो गया। ना उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर हाइट ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, यहां पर हो जाएगा रूट 3/2 ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इस तरह से आपको हो जाएगा सिंपल सा, आपको रूट 3/2 ए कितना आया 18 आया, तो ये आपको कैंसिल जाएगा 9, यानी कि आया 9 रूट 3 सेंटीमीटर इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अगर पसंद आया तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ सुधार करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।